हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिनेडीवी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करिबा किछि सिलेक्टेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन जहाँकि आपमनकर एप्रिल 2024 रो टॉप 50 करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो टी आपमनकर ओएवीएस एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो। ओएवीएस रे हमरो 30 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स आसुछि, सेते पे इंपोर्टेंट रहबो। ता सहित आपमनकर ओपीएससी पीजीटी एसएसबी पीजीटी एसएसटी टीजीटी एंड सेवक सेविका आपमनकर 12 जून रो अप्लाई होउछि, सेते पे मते इंपोर्टेंट रहबो। ओडिसा सीजेल एंड आरआई एआरआई एंड अंगनवाड़ी सुपरवाइजर रो एग्जाम आपन जून मास रे हेबार अछि, सेते पे मते इंपोर्टेंट रहबो। तो आपन चाहिले आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछन्ती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिबा प्रथम क्वेश्चन रो। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि, व्हिच पोर्ट हैज बीन अप्रूव्ड एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बाय शिपिंग मिनिस्ट्री। तो शिपिंग मिनिस्ट्री द्वारा रिसेंटली इंडियार फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को पोर्टर मान्यता क्या दिगला, क्या फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट रूपे अप्रूव करागला से पचार। तो चारिटा ऑप्शन रही, गोपालपुर पोर्ट, भिजिंजम पोर्ट, कोलकाता पोर्ट ना कांडला पोर्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भिजिंजम पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, रिसेंटली हु बिकम आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 आंबासडर। तो रिसेंटली क्या आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप आंबासडर नियुक्ति कर। तो करेक्ट आंसर होची कौन, आप इमेज देखि जानपारे, ये होंगे आम युवराज सिंह। युवराज सिंह को आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 रो आंबासडर बना जा, युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, इंडियाज फर्स्ट अपग्रेडेबल एटीएम आज लॉन्च बाय। से कह इंडिया प्रथम अपग्रेडेबल एटीएम को लॉन्च किए गला, को कंपनी कर। तो आमर चार ऑप्शन रही, सीएमएस इंफोसिस, डायबोल्ड, नेक्स्टडोर ना हिटाची पेमेंट सर्विस, नन ऑफ दिस। तो इंडियार फर्स्ट अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च कर किए, सी हो हिटाची पेमेंट सर्विसेस, हिटाची पेमेंट सर्विसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु इज नेम्ड आंबासडर ऑफ आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024। से कहे आईसीसी वुमेन्स T20 कप क्वालिफायर पर क्या आंबासडर बना जा, T20 वुमेन्स बना जाए क्या ना साना मीर, ये हूँ पाकिस्तान रो क्रिकेटर साना मीर को करा जाए। आमर मेन्स रे जो रही से मेन्स रे T20 आमर जो T20 वर्ल्ड कप रो क्वालिफायर पर आमर उसेन बोल्ट को करा जाए। तो मन रखु ये दुटा आमर रोच, तो से वुमेन्स पचारुमेन्स हूँ साना मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु सिक्योर्ड ए हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल्स एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज वन इन शंघाई ऑन अप्रैल 27, 2024। से कह अप्रैल 27, 2024 चाइनार शंघाई ठारे वर्ल्ड कप स्टेज वन रे आर्चरी रे किए हैट्रिक गोल्ड, लगातार 3 गोल्ड मेडल जीति। तो से होती किए ना, से होती ज्योति सुरेखा भेन्नम। एग्जाम पर मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो ज्योति सुरेखा भेन्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु ओन द ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 फ्रॉम द इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन। से कहे रिसेंटली आमर 2024 ग्लोबल मीडिया थारू इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन अवार्ड किए जीतिला, इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन अवार्ड जीति किए ना साना, साना हूँ गोटे रोबोट, यही साना रोबोट जीति। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु ओन द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 फॉर इज हस्द आरंड मूवमेंट। तो ये होंगे किए ना, ये होंगे आलोक शुक्ला। एग्जाम पर मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो से कहे आमर गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 विनर होंगे आलोक शुक्ला, हसदेव आरण्य, आरण्य बा अरण्य कही पार जंगल, हसदेव अरण्य तार रक्षणाबेक्षण से मुवमेंट चलते से गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज रे पुरस्कृत कर। एग्जाम पर मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलेटिक्स कमिशन बाय द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। से कहे रिसेंटली रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा क्या आमर एथलेटिक्स कमिशन रो चेयरमैन नियुक्ति करागला, एथलेटिक्स कमिशन रो चेयरमैन बनले किए निर्वाचित हेले किए, से होंगे आमर नरसिंह यादव, नरसिंह यादव। ऑप्शन नंबर बी होंगे करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हाज बीन रिअपॉइंटेड एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कौन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्यूटी गवर्नर रूपे क्या पुनः निजुक्ति करागला आमर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर बनी रिअपॉइंटमेंट पाई पुनः निजुक्ति होती टी रविशंकर आरबीआई गवर्नर बर्तमान किए अच्छा आमर शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर अच्छा शक्तिकांत दास आरबीआई पचार फास्ट गवर्नर किए तार कौन हम सार ओसबर्न स्मिथ आ पचार फास्ट इंडियन गवर्नर किए आरबीआई ताहले आरबीआई फास्ट इंडियन गवर्नर होती सी डी देशमुख नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज अपॉइंटेड एज ओपन एआई फास्ट एम्प्लॉय इन इंडिया से कौन जे ओपन एआई फास्ट एम्प्लॉय रूपे इंडिया रे किए निजुक्ति पाइला से पचारे तो करेक्ट आंसर जी कौन ना ऑप्शन नंबर सी प्रज्ञा मिश्र ऑप्शन नंबर सी होची हमरो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ऑथर द बुक टाइटल्ड द विनर्स माइंडसेट द विनर्स माइंडसेट यही पुस्तक रचयिता किए द विनर्स माइंडसेट पुस्तक लेखक होती सेन वाटसन किए सेन वाटसन ये पुस्तक मत देखिपुट सेन वाटसन लिखिंट द विनर्स माइंडसेट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन ओन टू गोल्ड मेडल इन द एसीसी पाराकोने एशियन चैंपियनशिप 2024 से कौन एसीसी पाराकोने एशियन चैंपियनशिप 2024 किए दुईटी को भारतीय दुईटी गोल्ड मेडल पाई तो दुईटी गोल्ड मेडल पाई किए ना से होती प्राची यादव इमेज देख पार प्राची यादव नेक्स्ट क्वेश्चन रही अमिताभ चौधरी हाज बीन रिअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ व्हिच बैंक तो रिसेंटली अमिताभ चौधरी को कौ बैंक रो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रूपे पुनः निजुक्ति करा तो पुनः निजुक्त होती कौन ना एक्सिस बैंक रे ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर एक्सिस बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वर्तमान नुआ चीफ किए हेले नुआ डायरेक्टर किए हेले से पचार एनएसजी नुआ डायरेक्टर बनिले नलिन प्रभात ऑप्शन नंबर ए होची सटीक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी तो वर्तमान इंडियन नेवी रो नुआ चीफ किए बनिले वर्तमान इंडियन नेवी रो नुआ चीफ बाय चीफ ऑफ इंडियन नेवी वर्तमान किए निजुक्ति हेले चीफ ऑफ इंडियन नेवी निजुक्ति हेले किए से होचंती दिनेश कुमार त्रिपाठी रिसेंटली आमर इंडियन नेवी रो नुआ चीफ बनिले एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए जॉइंट डायरेक्टर इन सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई फुल फॉर्म होची सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तार वर्तमान जॉइंट डायरेक्टर रूपे कहा को नियुक्ति करागला जॉइंट डायरेक्टर रूपे नियुक्ति होचंती किए ना से होचंती अनुराग कुमार ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर अनुराग कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मॉन्क टू बी अनर्ड विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड एग्जाम पे ये क्वेश्चन मत मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो से कहूँ अमेरिका द्वारा अमेरिका प्रेसिडेंट रो गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड रे को भारतीय साधु को पुरस्कृत करा जाय छी गोल्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड पाई किए से आचार्य लोकेश मुनि नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस जॉन डिक्स अवार्ड इन ग्लोबल हेल्थ से कौन ग्लोबल हेल्थ पर क्या प्रतिष्ठित जॉन डिक्स अवार्ड रे पुरस्कृत करागला बा सिलेक्शन करा जाएगी तो सिलेक्शन होती किए ना से डॉक्टर गगनदीप कांग नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज अवार्डेड द WOW इंटरनेशनल लिटरेसी अवार्ड तो WOW इंटरनेशनल लिटरेसी अवार्ड रे क्या पुरस्कृत करागला WOW इंटरनेशनल लिटरेसी अवार्ड रे पुरस्कृत होती से होती ममता जी सागर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप हु वाज रिसेंटली नेम्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा रिसेंटली क्या साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड रे पुरस्कृत करागला। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड रे पुरस्कृत होती किए से अवंतिका बंदानपू। अवंतिका बंदानपू ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। इमेज मैं देखिपे हूँ अवंतिका बंदानपू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच बैंक बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ए ब्रांच इन लाक्षाद्वीप। से कहते लाक्षाद्वीप प्रथम प्राइवेट बैंक हिसाब से किए तार गोटे ब्रांच खोली। तो फर्स्ट प्राइवेट बैंक जे कि लाक्षाद्वीप ब्रांच खोली से हूँ HDFC किए HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हाज बीन अपॉइंटेड एज द UK's फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। से कहते इंडिया यूके प्रथम महिला हाई कमिश्नर रूपे क्या निजुक्ति करागला। यूके फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर इंडिया निजुक्ति होती से होती किए ना लिंडी कैमरन। लिंडी कैमरन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हाज री इलेक्टेड एज द मेम्बर ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड। तो रिसेंटली इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड रो मेंबर रूपे किए पुनः निजुक्त होती पुनः निर्वाचित होती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जगजित पावड़िया। जगजित पावड़िया। नेक्स्ट रही व्हिच इसरो मिशन टीम हैज बीन अवार्डेड 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। से कहते स्पेस एक्सप्लोरेशन रिसेंटली इसरो कौ मिशन टीम पाई 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट अवार्ड जूनियर अवार्ड पुरस्कृत करागला। तो करेक्ट आंसर हूँ चंद्रयान 3 मिशन पाई। चंद्रयान 3 मिशन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हैज एयर इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इट्स ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन। तो से कहते रिसेंटली एयर इंडिया तार ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन पाई तार हेड रूपे क्या निजुक्ति कला। तो एयर इंडिया ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन हेड रूपे निजुक्त होती जयराम सनमुगम। जयराम सनमुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हाज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। से कहते इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम रो नुआ हेड कोच रूपे किए निजुक्ति है। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम रो नुआ कोच निजुक्ति हेले किए ना से होती हरेन्द्र सिंह। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर हरेन्द्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ATP मास्टर्स 100 मैच ऑन क्ले। तो किए प्रथम भारतीय जे कि विन करी ATP मास्टर्स 1000 मैच ऑन क्ले। ATP मास्टर्स 1000 मैच ऑन क्ले को विन कर प्रथम इंडियन होती सुमित नागल। फर्स्ट इंडियन होची सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बुक नेम्ड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑथर्ड बाय। से कहते द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुकटा किए लिखिंट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक लेखक होती किए ना से होती साम पिट्रोडा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक लेखक होती साम पिट्रोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिसेंटली हू हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द विप्रो कंपनी। से कहते विप्रो कंपनी आमर CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड MD मैनेजिंग डायरेक्टर रूपे किए निजुक्ति होती विप्रो नुआ CEO एंड MD बनी किए से होती श्रीनिवास पालिया। ऑप्शन नंबर आप बी हूँ करेक्ट आंसर। इमेज मैं देखिपे ये होती श्रीनिवास पालिया। नेक्स्ट रही हू हैज बीन अवार्डेड द ऑनररी फेलोशिप बाय अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन इन April 2024। से कहते April 2024 क्या अमेरिकार ऑनररी फेलोशिप रे अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन तरफ ऑनररी फेलोशिप अवार्ड पाई। तो अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन तरफ ऑनररी फेलोशिप अवार्ड पाई किए से होती डॉक्टर रघुराम। डॉक्टर रघुराम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल इन द स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स ग्रुप SPG। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इंस्पेक्टर जनरल रूपे किए निजुक्ति होती।
तो देखो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रो इंस्पेक्टर जनरल निजुक्ति होती किए से होती लव कुमार। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर लव कुमार। इमेज में देखी पड़ते ये होती लव कुमार, ये हिंदी में लिखा जाए लव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु बिकम इंडियाज फास्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया एज जूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो से कौच जे आमर प्रथम इंडियन महिला किए जी कि पेरिस ओलंपिक 2024 रे इंडिया तरफ रु जूरी मेंबर रूपे रिप्रेजेंट करेंगे, जूरी मेंबर पे रिप्रेजेंट करेंगे तांको ना कौन से पचार फास्ट इंडियन वुमेन होती किए से होती बिल्किस मीर। ए ऑप्शन हो करेक्ट आंसर बिल्किस मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोंकण रेलवे इन इंडिया। से कहे इंडिया कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन रो सीएमडी किए निजुक्ति हेले, इंडियन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन रो सीएमडी बनी किए से होती संतोष कुमार झा। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर संतोष कुमार झा। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा हो संतोष कुमार झा हो आमर कोंकण रेलवे आमर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी माने कौन चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तमान संतोष कुमार झा बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एक्टर हैज बीन एनलिस्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एडवोकेट फॉर यूथ पार्टिसिपेशन इन द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। से कहे अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन यूथ मान को वोट देवाई पार्टिसिपेशन वोट देवाई भाग नेवाई जन को इलेक्शन आइकन इलेक्शन कमीशन द्वारा आइकन रूपे रखा जा तो से एक्टर ना कौन से पचार युवक मान को प्रोत्साहित करने वोट देवाई प्रोत्साहित करने जड़े आइकन इलेक्शन आइकन रूपे नियुक्त कर आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट देखिए रिसेंटली हु ब्रोक द रेकर्ड सानिया नेहवाल्स मोस्ट वीक्स एज वर्ल्ड नंबर वन फॉर एन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हिसाब से सानिया नेहवाल रेकर्ड किए भांगी अधिक वीक वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर हिसाब से। तो करेक्ट आंसर हो कौन ना चिराग सेट्टी एंड सात्विक साइराज रिंकी रेड्डी। सात्विक साइराज रांकी रेड्डी एंड चिराग सेट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर सात्विक साइराज रांकी रेड्डी एंड चिराग सेट्टी। नेक्स्ट देखिए हु हैज ओन द मेन्स डबल्स टाइटल ऑफ मियामी ओपन। से कहे रिसेंटली किए मियामी ओपन रो मेन्स डबल्स टाइटल को विन कर मियामी ओपन मेन्स डबल्स टाइटल विनर होती किए से होती इंडिया रोहन बोपन्ना एंड ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू एब्डन। इमेज देखी पड़ते ये होती इंडिया रोहन बोपन्ना ये होती ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू एब्डन ये दुजन डबल्स रे आमर मियामी ओपन डबल्स टाइटल जीति मेन्स कैटेगोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल इयर्स ऑफ मिलेट्स 2023 ऑन मार्च 20, 2024 इन रोम इटाली। सो से कहे इटाली रोम ठारे 20 मार्च 2024 इटाली रोम ठारे 20 मार्च 2024 आमर इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट्स पालन करा गला 2023 इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट्स पालन दार क्लोजिंग सेरेमनी को पालन करा गला सेटा किए कला से पचार को ऑर्गेनाइजेशन एटा को आमर आयोजित करथिला को ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर होची FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर इटाली रोम रे अछि आ यार वर्तमान हेड अछि के ना क्यू डंग्यू यार हेड अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज लिफ्टेड जेंडर रेस्ट्रिक्शन फॉर द बॉयज टू लर्न मोहिनीअट्टम। तो देखु रिसेंटली को स्टेट आमर मोहिनीअट्टम केवल झीओ पाने पारे से नियम थी पूर्व बर्तमान उठे पु पा शिखिपर मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम को शिखापी पु पा शिखिपर से कौन सी आमर लिंग लिंगानुभेद किसी रही एटा करल
गवर्नमेंट कहीं आम जानते केरल क्लासिकल डांस हूँ मोहिनीअट्टम कथकली सब हूँ तार क्लासिकल डांस तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिसेंटली हु इज ऑनर्ड विथ इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 से कहते 2024 इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड रे क्या सम्मानित करागला क्या सम्मानित करागला से होती ऑप्शन नंबर ए मीना चारांडा ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर मीना चारांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू बिकम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर वन इन एटीपी रैंकिंग हिस्ट्री से कहते एटीपी रैंकिंग हिस्ट्री रे वर्ल्ड नंबर वन सब वयस्क किए हू बिकम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर वन इन एटीपी रैंकिंग तो एटीपी रैंकिंग रे ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर वन होती किए सी होती नोवाक जोकोविक नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू ओन द मेन सिंगल टाइटल मियामी ओपन इन 2024 तो 2024 मियामी ओपन रेन सिंगल टाइटल डबल्स रे आमर मैथ्यू एब्डन एंड आमर इंडिया रोहन बोपन्ना जीति थे सी ये सिंगल्स पचार मेन सिंगल्स विनर होती जानिक सिन्नर जानिक सिन्नर मेन्स ओपन मियामी ओपन मेन्स सिंगल टाइटल विनर होती जानिक सिन्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू ओन द नेशनल खो खो चंपिशिप 2023-24 मेन्स टाइटल से कहते 2023-24 खो खो नेशनल चंपिशिप मेन्स टाइटल विनर किए खो खो नेशनल चंपिशिप मेन्स टाइटल विनर हूँ किए से हूँ महाराष्ट्र स्टेट ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हाज रिसेंटली बिकम इंडिया टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर रिसेंटली किए इंडिया टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर बनीगले टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर बनले किए से होती ऑप्शन नंबर बी अर्जुन एरिगेसी अर्जुन एरिगेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिसेंटली हू वेर नेम्ड एज हॉकी इंडिया मेन्स एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 तो से कहते 2023 हॉकी इंडिया मेन्स एंड वुमेन्स कैटेगरी रे किए अवार्ड ईयर ऑफ द अवार्ड पाई तो देखु इंडिया आमर हॉकी इंडिया तरफ मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पाई किए हार्दिक सिंह और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पाई किए से होती सलीमा टेटे सलीमा टेटे वुमेन्स सलीमा टेटे मेन्स हार्दिक सिंह ये दु जन को हॉकी इंडिया मेन्स एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड में पुरस्कृत कर ऑप्शन नंबर डी हो बोथ ए एंड बी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज इंडियाज फास्ट ए आई बेस्ड फिल्म लॉन्च्ड बाय लॉन्च्ड रिसेंटली से कहते रिसेंटली लॉन्च होता इंडिया प्रथम ए आई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म ना कौन इंडिया प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म हूँ ईरा ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर ईरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू क्लेम्स द ऑल इंडिया सी सी आई बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल 2024 से कहते जे रिसेंटली किए विन कले ऑल इंडिया सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल 2024 तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए पंकज आडवाणी पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु बिकम द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू बी क्वालिफाई फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024 से कहते पेरिस ओलंपिक 2024 केवल एकमात्र वेट लिफ्टर रूपे किए क्वालिफाई कर पेरिस ओलंपिक को क्वालिफाई करथिबा एकमात्र भार उत्तोलन वेट लिफ्टर होचंती के ना मीरा बाई चानू ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर मीरा बाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आसोसाम फॉर 2024-25 से कहते 2024-25 आसोसाम प्रेसिडेंट किए निजुक्ति हेले आसोसाम प्रेसिडेंट निजुक्ति होती किए नुआ निजुक्ति होती संजय नायर ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर संजय नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडिया इंडिया इज सप्लाइंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू व्हिच कंट्री एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहा कहीं इंडिया सप्लाई करुच्छी इंडिया बिकुच बाहर देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो सीटा कौ देश को बिकुच तो करेक्ट आंसर हूँ सप्लाई करुच्छे कौ देश को ना फिलिपींस को ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर फिलिपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू ओन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द स्काई ट्रास्क अवार्ड 2024 से कहते स्काई ट्रास्क अवार्ड 2024 बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड विनर किए बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड विनर होची किए ना से होची हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा
हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये टोटल 50 क्वेश्चन आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनई पारे जदि भिडियो भल लगुच गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिकारू अधिक मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानक निहाती भावे शेयर करी। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।